मुंबई के एलटीटी कुडरा से उत्तर प्रदेश जाने वाली ट्रेन गोदान एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, आग लगने के चलते रोकी गई ट्रेन, कोई हताहत नहीं, आग पर पाया गया काबू। वसई विरार महानगर पालिका द्वारा शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन किया जाएगा स्थापित, इससे शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ेगा और प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी। नालासोपारा में फेरी वालों ने महानगर पालिका अधिकारी का किया घेराव, अतिक्रमण पर कार्रवाई से नाराज फेरी वालों ने मनपा कर्मचारियों पर लगाया रिश्वत लेने का आरोप। पीएम मोदी को लेकर दिए गए विवादास्पद बयान पर उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के नेता संजय राउत के खिलाफ पुलिस स्टेशन और इलेक्शन कमीशन में दी गई लिखित शिकायत। कांग्रेस में शामिल होंगी अभिनेत्री स्वरा भास्कर, पूनम महाजन के खिलाफ लड़ेंगी चुनाव या गोविंदा को मिलेगा टिकट। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने 28 अप्रैल और 19 मई 2024 को आयोजित होने वाली सेवा परीक्षा स्थगित कर दी है। महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार 22 मार्च को भूषण गगरानी की जगह इकबाल सिंह चहल को मुख्यमंत्री सचिवालय का प्रभावी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया। अरविंद केजरीवाल की उपलब्धियों से डरी बीजेपी, इसलिए कर रही गिरफ्तारी, संजय राउत ने बीजेपी पर साधा निशाना। डोंबिवली में कंपनी मालिक ने अपने साथियों के साथ मिलकर कर्मचारी की बेरहमी से कर दी पिटाई। मराठ पश्चिम में सार्वजनिक शौचालय के सीवर में गिरने से दो लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर। बॉडी मसाज उपकरण सेक्स टॉय नहीं, आयात पर नहीं लगा सकते पाबंदी, हाईकोर्ट की दो टूक। भाईखला में रेलवे अधिकारी के घर चोरी, विदेश टूर पर गई थी अधिकारी, नौकरानी पर एफआईआर। मुंबई कर मनपा को सोशल मीडिया पर दे सकेंगे सुझाव, मनपा ने सभी 25 वार्ड के ट्विटर हैंडल और लगभग सभी विभागों के ट्विटर हैंडल एक्टिव। मुंबई के मीरा रोड में फ्लैट हैवी डिपॉजिट देने के नाम पर धोखाधड़ी, खुद ही बनते थे फ्लैट के मालिक। धारावी के कामरान मेमोरियल स्कूल में भोजन के दौरान सांभर मिली छिपकली, 30 छात्र क्लिनिक पहुंचे। बॉलीवुड अभिनेता और पूर्व सांसद गोविंदा के शिवसेना में शामिल होने की प्रबल संभावना। आज उत्तर भारतीयों को पीटने वाले बने बीजेपी के लाडले, राज ठाकरे संग गठबंधन पर मुंबई से लेकर यूपी बिहार तक गुस्सा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की कार सतारा के वाई के पास हुई दुर्घटनाग्रस्त। महाराष्ट्र कांग्रेस में भागम भाग जारी, गढ़चिरौली के कद्दावर नेता कोडवते एमपी पत्नी संग बीजेपी में शामिल। गढ़चिरौली में 1.5 लाख का इनामी नक्सली समर्थक गिरफ्तार, गिरफ्तारी की पहचान पेका माड़ी पुंगती उम्र 49 के रूप में हुई है।